यूएफसी 290 में बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की की याया रॉड्रिगेस के साथ यूनिफिकेशन बाउट होने वाली है, जिसमें दोनों चैंपियंस जो हैं वो यूनिफिकेशन बाउट के लिए फाइट करेंगे। और अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की इस फाइट को जीतते हैं तो वो रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप को, और उसके बाद उनका पाथ क्लियर हो जाएगा फेदरवेट डिवीजन में। उनके पास लिटरली अभी कोई चैलेंजर्स नहीं बचेंगे, और इसके बाद उनको मिलेगा इस्लाम मकाशेव या लाइटवेट टाइटल का, जो भी उस समय होल्ड करेगा उसके अगेंस्ट एक टाइटल शॉट। हमने देखा है कि इस साल के फरवरी के अंदर एक फाइट हुई थी इस्लाम मकाशेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की, जो कि काफी हाई मैग्नीट्यूड की फाइट थी, एक काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ वॉर थी। और उस फाइट के बाद ये कंट्रोवर्सीज निकल के आई थी कि इस्लाम मकाशेव ने वो फाइट नहीं जीती, अलेक्जेंडर ने वो फाइट जीती, बहुत क्लोज फाइट थी वगैरह वगैरह। और उस टाइम के बाद से ही रीमैचेस की बात चल रही है। तो यहां पर इंटरव्यू के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की से ये पूछा गया कि क्या वो इंटरेस्टेड है इस्लाम मकाशेव के साथ रीमैच में, और अगर वो यायर रॉड्रिगेस को यूएफसी 290 में हरा देते हैं तो क्या वो इस्लाम मकाशेव से रीमैच उनको मिलेगा यूएफसी की तरफ से। कुनोवस्की ने ये बोला कि अगर वो यायर रॉड्रिगेस से फाइट करे या ना करे, उनको रीमैच ऐसे भी मिलने वाला है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है यूएफसी के पास, उनको फाइट करवानी है। और ये जो स्टोरी है इस्लाम मकाशेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की की, इसकी एंडिंग वो अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर ये रीमैच होगा तो मैं डेफिनेटली जीतूं। भाई मैंने हमेशा बोला है कि इस्लाम मकाशेव ने वो फाइट 3-2 से जीत ली थी, बट मैं यहां पर बिल्कुल तारीफ करता हूं, अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वहां पर। उस समय जब इस्लाम मकाशेव से उनसे फाइट करी गई थी, इस्लाम मकाशेव की अलग इमेज बन रखी थी यूएफसी में, ऐसा लग रहा था कि कोई भी यूएफसी में उनको टच भी नहीं कर सकता। और अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की उस फाइट में बहुत ही हैवी अंडरडॉग था, ऑलमोस्ट +400 का अंडरडॉग था वहां पर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की। तो आप समझ सकते हो इस फाइट में ऑड्स कितनी थी, और उस हिसाब से अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की की परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव थी। तो यहां पर एक चीज और कंसिडर करने वाली बात होगी कि अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की ने अगर वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करा है तो जरूरी नहीं है कि वो रीमैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ये प्री कंसीव नोशन लेके चलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की वहां पर फाइट करेगा इस्लाम मकाशेव से तो वो सारी चीजें सही से तरीके से करेगा और इस्लाम मकाशेव को डोमिनेट करेगा। बट आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब फाइट होगी तो इस्लाम मकाशेव भी ट्रेनिंग करेंगे उस फाइट के लिए, और इस्लाम मकाशेव भी एक इंप्रूव्ड वर्जन लेके आएंगे। हमें पता है इस्लाम मकाशेव ने बहुत सारी गलतियां करी हैं उस फाइट में। सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि अपनी रेसलिंग को इनिशियली यूटिलाइज नहीं करना और अपने गेम प्लान से भटक जाना। मैंने देखा एक दो बार ड्रॉप भी हुआ इस्लाम मकाशेव, बट स्टिल मैं यहां पर यह नहीं मान सकता हूं कि अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की की जब अगली फाइट होगी तो वो इस्लाम मकाशेव को पूरी तरीके से डोमिनेट करेंगे। मे बी कर दें, बट यहां पर काफी ज्यादा चांसेस है कि दोनों फाइटर्स काफी इंप्रूव्ड वर्जन लेके आएंगे, और ये फाइट अभी भी ऐसे नहीं बोली जा सकती कि ये बंदा अगला रीमैच में जीत ही जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ही बहुत बैक एंड फोर्थ फाइट थी। भले आपके हिसाब से यूएफसी 284 में कोई भी जीते, लेकिन वहां पर आप ये चीज डिनाई नहीं कर सकते, वो बहुत क्लोज फाइट थी। दोनों फाइटर्स ने अपनी अपनी चीजें करी उस फाइट के अंदर, और इसलिए वो एक बहुत क्लोज फाइट थी। मेरा यहां पर यही ओपिनियन रहेगा कि अभी मेरे हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को यायर रॉड्रिगेज पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही टफ अपोनेंट है। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है इस फाइट को लेकर, ये इंटरिम चैंपियन वाली जो फाइट है, क्योंकि आप देख सकते हो यायर रॉड्रिगेज एक ऐसा फाइटर है, इतना डायनामिक स्ट्राइकर है कि कभी किधर से उसने फाइट कर लिया और किधर से उसने कोई किक लैंड करवा दिया, उस पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को। जब रीमैच होगा तो हम इसके ऊपर पूरी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को यूएफसी 290 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और यायर रॉड्रिगेज को हराना चाहिए। भाई आप सब अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।